हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है लक्ष्य। आज है 25 सितंबर, टाइम हो रहा है 7:15। मेरे साथ एज यूजुअल दीपांशु है, से हाय टू द व्लॉग। और आज हम लोग आए हैं जम्बा रामगढ़। जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है। वहाँ पे एक मंदिर है और एक पुराना डैम है, तो उसी का आज व्लॉग करने जा रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि कैसा रहता है पूरा सीन, और हमारे रास्ते पर हम कंटिन्यू करते हैं। गाइज, वो जो आपको वहाँ पे मंदिर दिख रहा है, हमें उधर ही जाना है। तो अभी फ़िलहाल हम रास्ते पे चल रहे हैं और उस मंदिर पे पहुँचने वाले हैं। उस मंदिर के बारे में और नाम वगैरह मैं सबका आपको उधर ही जाके बताऊँगा। तो गाइज, बहुत ही पथरीले रास्ते से हम अपनी बाइक को ऊपर लेके आए। हमको नीचे से पता चल गया था कि ऊपर बाइक जा सकती है, तो यहाँ पे पार्किंग की अच्छी सुविधा है। हम बाइक ऊपर लेके आए। यहाँ पे एक थड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे आप प्रसाद ले सकते हैं, नीचे भी प्रसाद ले सकते हैं। 30 रुपीज़ का हमने अभी प्रसाद लिया है, ले लेना चाहिए, ये रहा वो। और फिलहाल हम हैं दांत माता मंदिर पे, और इस मंदिर के बारे में आपको मैं बताता हूँ। फिलहाल देखिए, ऐसा कुछ रास्ता है ऊपर जाने का, और आसपास का वातावरण, मतलब एनवायरनमेंट बहुत शांत सा है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। मंदिर को अगर मैं दिखाऊं तो वो पहाड़ पे ऊपर बना हुआ है, और दूर से कितना अच्छा लग रहा था मंदिर, है ना दीपांशु? हाँ, नीचे से बहुत अच्छा लग रहा था, और यहाँ से भी व्यू नीचे का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा व्यू है, काफ़ी हाइट पर ये मंदिर है, और वेल मेंटेन्ड तो नहीं कह सकता, पर हाँ एवरेजली मेंटेन्ड है ये। और फिलहाल देखिए, ऐसा कुछ है आसपास का नज़ारा। तो हम एक बार चढ़ाई शुरू करते हैं और आपको ऊपर दिखाते हैं कि इस मंदिर में क्या है। गाइज, ये जो स्टेयर्स हैं, इन पे नंबरिंग करी गई है। देखो, जैसे 3, 4, 5 ऐसे करते करते ये पूरी ऊपर जाती हैं। वो वाला मंदिर हमको ऊपर जाना है। नेवला दिखा वहाँ पे मुझे, एक कितने आगे मरवाया क्या नेवले से, डर लगता है तेरे को? अच्छा, मतलब गले मिल गया हूँ। गाइस, ऐसा कुछ व्यू है। देखो, दीपांशु को दिखाता हूँ व्यू के साथ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और बंदर भी हैं, और मुझे हमेशा डर सा लगता है कि कभी बंदर मेरा कैमरा वगैरह फिर छीन डाले। नीचे हमको उन्होंने कहा था, यार तो लड़ाई कर रहे हैं यार, कि प्रसाद छीन सकते हैं मंदिर। देखते हैं यार, मेरे को मतलब ऐसी शांति वाली जगह एक्सप्लोर करने में अलग ही मज़ा आता है। आज आई डोंट नो हम इतना जल्दी जल्दी क्यों थक रहे हैं, पर एनीवेज इस मंदिर के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। तो मैं आपको मेरे फ़ोन में जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है उससे ही बता देता हूँ। तो मीणाओं के सीरा राजवंश की कुलदेवी का ये मंदिर है। जयपुर के जम्बा रामगढ़ में ये मंदिर स्थित है, और ये जो पूरा गाँव देख रहे हैं आप पीछे, इस गाँव को जम्बा रामगढ़ कहते हैं। और इसका निर्माण सीरा राजवंश के राजा राव सिंगो जी ने 352 में करवाया था। और इस मंदिर की ऐसी कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अगर आपको और कुछ जानना तो आप विकिपीडिया पे पढ़ लीजिए। अब हम शुरू करते हैं दोबारा चढ़ना, चलो भाई। तो गाइज, अभी हमको ऊपर से एक अंकल जी ने वार्निंग दी कि ये जो बंदर नीचे बैठे हैं, यह आपका प्रसाद जो है वो छीन सकते हैं। तो हमने अभी बैग में डाल दिया, मेरे कैमरे को भी मैंने बैग में डाल दिया। बहुत बंदर हैं यहाँ पे, इन पे मैं कैमरा पॉइंट कर रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है। तो एक बार मैं अंदर चलता हूँ, फिर ही आपको दिखाता हूँ कुछ। दरवाजे को मैन्युअली क्लोज करना पड़ता है, और ये स्टेयरकेस है ऊपर की। अभी फिलहाल हम मंदिर परिसर के अंदर हैं, और ये एक खिड़की है, और इससे इतनी अच्छी हवा आ रही है ना, अच्छे खासे एसी फेल है इस जगह, इतनी बढ़िया हवा आ रही है। और पूरे गाँव का लुक आता है इधर से, मैं आपको दिखाऊँगा कैमरा मोड़ करके। और ये फ़िलहाल कुछ ऐसा मंदिर है, इस मंदिर की भी एक क्लिप दिखा दूंगा। पुजारी जी से हमने बात करी है, वो हमको मंदिर के बारे में बताने के लिए तैयार हो गए हैं। तो जब तक वो थोड़ी तैयारी करते हैं, मैं आपको आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ, और कितने पहाड़ पे है ये मंदिर वो भी दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं दांत माता मंदिर में, और यहाँ पे हमको एक नेटिव, यहाँ के जो लोग हैं वो मिले हैं, तो उनसे हम जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तो आपका नाम? सर, मेरा नाम अशोक कुमार तिवारी है, और मेरा जन्म स्थान जम्मा रामगढ़ है,
और जन्म से ही जम्मा रामगढ़ में रहते हैं, हमारा पूरा परिवार जम्मा रामगढ़ में रहता है। तो इनसे हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो आप बताइए कुछ। तो इस मंदिर की हिस्ट्री, इस मंदिर का निर्माण बहुत प्राचीन काल से है, यानी हमारे जन्म से पहले का ये मंदिर है। वो इसमें सातु जात की मानता है, मेनकल सिरा जो है, सिरा जाति की मीणा में गोत्रता सिरा मीणा, वो इनको इसे अपने कुलदेवी मानते हैं, सिरा जाति के। और इस गांव के सभी जो आसपास के निवासी ब्राह्मण बनिया मीणे गुजर और इस सातु जात में जो भी हैं, वो दात माता की इनके मानते हैं, जात जोड़ली उतरते हैं। और जो यहाँ के मूल निवासी है, जो बाहर चले गए, कोई अमेरिका, कोई बम्बई, कोई दिल्ली, समय समय वो भी आते हैं जा जोड़ी उतराने के लिए। माता की बहुत महिमा है, बहुत मान्यता है, नवरात्रों में माता को अष्टमी का मेला बढ़ता है यहाँ। तो इन्होंने जैसे बताया मेला बढ़ता है, इनसे मैं जानूंगा यहाँ पे जो पास में मेधा जी का महल है उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। पहले यहाँ पे यार ये राजा मानसिंह जी ने रामगढ़ बसाया था, मीणाओं का वो था शासक था। तो मेधा मीणा जी का पुराना महल बना हुआ है उधर साइड के अंदर है, महलों के अंदर, प्राचीन महलों के अंदर, जहाँ भी पुरातत्व विभाग ने अभी इसे रिपेयरिंग का काम कर रखा है। इस मंदिर के नीचे जाके मेधा बाबा का इन्होंने एक मंदिर बनवाया जिस मेधा बाबा की मूर्ति लगी हुई है। अभी अभी जैसा कि फिलहाल कोविड-19 चल रहा है तो यहाँ पे लॉकडाउन के पालन पूरे करे जा रहे हैं, जैसा कि मंदिर में लॉकडाउन पूरी पालना हो रही है, भक्त लोग बहुत कम आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं उनको अपने लॉकडाउन बना, नहीं तो कोई गर्भ घंटा बजा रहा है, समय की दूरी रख रहे हैं, सब मास्क लगाते हैं, पुजारी जी मास्क लगा के रहते हैं, और जो हम लोग जो आते हैं अपने अपने वो दूर से बनाए रहते हैं। लॉकडाउन की 100% पालना हो रही है यहाँ। चलिए धन्यवाद अंकल जी, आपने अपना समय दिया और इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी। तो अभी हम इस मंदिर के अंदर हैं और ये जो है ये पुजारी जी हैं। पुजारी जी आप बताइए, आप कब से यहाँ पे हैं? मैं यहाँ 7 साल से माता जी की सेवा में ड्यूटी दे रहा हूँ, मतलब ये यहाँ सिरा गोत्र का है जो वो है, यहाँ वो ट्रस्ट बना हुआ है, मीणा में सिरा गोत्र है, वही ज़्यादातर आते हैं, वैसे तो सातु जात आती है। जो यहाँ से पहले इस रामगढ़ का नाम मासनगर था, मासनगर में सिराओं का राज्य था, उस शासन काल में पहले उनके वंश में वो हुए थे मेधा सिरा, उन्होंने 1800 वर्ष राज्य किया था यहाँ, और उनका शासन काल में मतलब कोई भी आदमी इतना परेशान नहीं रहता था, यानी मैया की सेवा ब्राह्मण कर सकता है पर इसका अधितत्व है ना, यानी मालकानी हक जो सिराओं का है। अच्छा, यहाँ पूजा तो सिर्फ ब्राह्मण ही करेगा, क्यों? मैया है ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी है ये, इसकी पूजा सदियों से ही है ना, ब्राह्मण ही करता हुआ आया है। सही बात। और इनकी देख रेख और मालिकाना हक है जो सिराओं, सिरा गोत्र के मीणाओं का। तो गाइस इतने अच्छे लोग थे ना, आप आए यहाँ पे बात करें और इन्होंने हमको चाय ऑफ़र करी और काफ़ी अच्छे से बात करी। मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और फिलहाल इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करूँगा। तो मैं आपको बताऊँ कि इस पूरे मेरे जयपुर से जम्मा रामगढ़ के पूरे ट्रिप में 4 वीडियो होंगे, जिसमें पहला वीडियो इस मंदिर का है, दूसरा वीडियो होगा उस महल का, माधव जी का महल, तीसरा होगा जहाँ पे रामगढ़ लेक, और चौथा होगा जम्मे माता का मंदिर। तो अगर आपने सारे वीडियो नहीं देखे हैं और आप ये प्लेलिस्ट देखने में थोड़े लेट हो गए हैं तो पहले सारे वीडियो देखिए। तो इस वीडियो को मैं इधर ही रखता हूँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। फिलहाल मैं दूसरा वीडियो नीचे जाते ही चालू कर दूँगा, पर इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। बाय बाय बाय।